उत्तर प्रदेश की राजनीति में अचानक से जाति को लेकर तरह तरह की बातें सामने आई हैं। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक दलों के बीच इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि ब्राह्मण जाति भाजपा से नाराज है। असल में गैंगस्टर विकास दुबे के सरेंडर और फिर बीच रास्ते गाड़ी पलटने में उसके भागने और एनकाउंटर ने इस नैरेटिव पर और बल दिया। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई कि योगी राज में ब्राह्मण हाशिए पर है और एक खास बिरादरी की ही चलती दिख रही है। लेकिन बुधवार यानी 12 अगस्त को आए एक राजनीतिक फैसले को देखकर नहीं लगता कि ब्राह्मण नाराज है वाली नैरेटिव से भाजपा को कोई असर पड़ा है। दरअसल खबर आई है कि भाजपा ने यूपी से राज्यसभा चुनाव के लिए जयप्रकाश निषाद को उम्मीदवार बनाया है। ये चुनाव 24 अगस्त को होना है। जयप्रकाश निषाद पहले बसपा में थे और उन्हें भाजपा में लाने वाले स्वयं योगी आदित्यनाथ हैं। फिलहाल निषाद यूपी बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं और गोरखपुर उनका कार्यक्षेत्र है। पहले ये भी चर्चा हो रही थी कि नाराज ब्राह्मणों को लुभाने के लिए भाजपा कोई ब्राह्मण कैंडिडेट भी दे सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा लगता है कि भाजपा ने पिछड़ी जातियों को लुभाने में ज्यादा संजीदगी दिखाई है। इससे पहले यूपी से राज्यसभा में जाने वाले संभावित नेताओं की फेहरिस्त में जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का नाम भी शामिल रहता था, लेकिन पिछले दिनों उन्हें केंद्र शासित प्रदेश का LG बना एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। निषाद को योगी आदित्यनाथ के करीबी नेताओं में से एक समझा जाता है। ऐसे में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या राज्यसभा चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ की ही चली है। ऐसे ही हमारे और भी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।